हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं यूएसए से इंडिया, और अब मैं बात करूंगा इंडियन क्रिकेट की भी और डोमेस्टिक क्रिकेट की भी, और इंडियन क्रिकेट में और बीसीसीआई क्या कुछ करने वाला है उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो होम सीजन के लिए बीसीसीआई ने अपना जो कैलेंडर है दोस्तों वो घोषित कर दिया है, और इस कैलेंडर में उन्होंने ये बताया कि बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन टीमों के साथ भारत को घर में सीरीज खेलनी है। तो कैसा रहने वाला है इंडिया का स्केड्यूल, ये मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। भारत की जो होम सीरीज की कह सकते हैं शुरुआत होगी वो बांग्लादेश के साथ होगी। बांग्लादेश की टीम भारत आएगी जहां वो दो टेस्ट मैचेस खेलेगी। 19 सितंबर से इसकी शुरुआत होने वाली है। चेन्नई और कानपुर में दो टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद तीन T20 मुकाबले खेले जाएंगे। तो अब आप देखिए, ODIs जो है वो कम होते जा रहे हैं बीसीसीआई की लिस्ट में भी। तो तीन T20 मुकाबले खेले जाएंगे, धर्मशाला, दिल्ली और हैदराबाद में, और चेन्नई और कानपुर में बांग्लादेश की जो टीम है वो टेस्ट मैचेस खेलेगी। तो दो टेस्ट और तीन T20 मैचेस की सीरीज जो है वो खेलने वाली है बांग्लादेश की टीम भारत में। ये सितंबर और अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद दोस्तों अक्टूबर में न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी, और न्यूजीलैंड की जो टीम है वो तीन टेस्ट मैचेस खेलने तो इसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी, और न्यूजीलैंड की जो टीम है वो तीन टेस्ट जो है वो भारत दौरे पर खेलने वाली है। तीन टेस्ट मैच मैं आपको बता देता हूं, ये अक्टूबर में खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु में होगा 16 से 20 अक्टूबर, दूसरा होगा 24 से 28 अक्टूबर पुणे में, और तीसरा टेस्ट मैच दोस्तों खेला जाएगा मुंबई में। तो ये तीन टेस्ट मैचेस जो है न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करेगी। उसके बाद दोस्तों जब न्यूजीलैंड का भी दौरा खत्म हो जाएगा, तीन टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं और इसमें कोई T20 मैचेस नहीं रखे गए हैं। तो अगर आप कैलेंडर देखे तो T20 है या टेस्ट मैचेस है, ODIs अभी नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इंग्लैंड के दौरे की, और इंग्लैंड एक बहुत बड़े दौरे के लिए भारत में आएगी, और उनका जो दौरा है दोस्तों वो शुरू होगा 22 जनवरी 2025 से, और इस दौरे में वो 5 T20 मुकाबले खेलेंगे भारत के साथ। इंग्लैंड की टीम 5 T20 मुकाबले खेलेगी और 3 ODI मैच खेलेगी। तो 5 T20 और 3 ODI मैच खेलेगी। जो 5 T20 है, 22 जनवरी को पहला खेला जाएगा चेन्नई में, उसके बाद कोलकाता, राजकोट, पुणे और मुंबई में 5 T20 मैच खेले जाएंगे, और 3 ODI मुकाबले खेले जाएंगे नागपुर, कटक और अहमदाबाद में। तो बीसीसीआई ने जो है अपनी पूरी प्लानिंग की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड की टीम के साथ कोई टेस्ट मैच नहीं खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम जब भारत दौरे पर आएगी तो 5 T20 खेलेगी, 3 वनडे मैच खेलेगी। तो यानी कि जो स्केड्यूल भारत ने घोषित किया है उसको अगर हम नज़र उसमें दौड़ाएं तो साफ तौर पर समझ में आता है कि भारत इस दौरान जो है, क्योंकि तीन टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलने, दो टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलने, तो 5 टेस्ट मैच खेल रहा है इंडियन टीम। और अगर T20Is की बात करें तो 3 T20 क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ है, और उसके बाद 5 T20 जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ है, तो 8 T20 मुकाबले खेलने, और वनडे की अगर बात की जाए तो सिर्फ 3 वनडे मुकाबले इस दौरान भारत ने घर में खेलने हैं। तो बीसीसीआई ने सारा स्केड्यूल दोस्तों जारी कर दिया है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है? क्या इंग्लैंड के खिलाफ T20 वाली जो सीरीज है उसका आपको भी इंतजार रहेगा, लेकिन वो 2025 में होगी। 2024 में तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को टेस्ट मैचेस खेलने पड़ेंगे, और बांग्लादेश के साथ T20 के साथ टेस्ट मैचेस भी। बाकी आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।